आज हम ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार झा। डॉक्टर साहब पटना पारस में न्यूरोलॉजिस्ट है, तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। आप, मैं चाहूँगी कि आप ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बताएं और ये कितना खतरनाक है इसके बारे में भी। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जो है वो सबसे पहले ब्रेन के मुख्य बीमारियों में एक बीमारी है और इसमें अचानक ही, जिसको लोग साधारणतः पक्षाघात कहते हैं, लकवा कहते हैं, इस तरह से लोग इसको जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक। और ये ब्रेन स्ट्रोक अचानक से होता है, सडन होता है और वर्ल्ड में मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु का और बीमारी से जो सफ़र करते हैं उसका ये दूसरा या तीसरा मुख्य कारण है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ही गंभीर बीमारी है और इसको जल्द से जल्द पकड़ना इसके लक्षणों के आधार पर बहुत ही आवश्यक है। और मॉडर्न मेडिसिन में इसकी जो गोल्डन पीरियड होती है वो लगभग 4.5 घंटे की होती है। तो अगर इस बीमारी को आप जल्द से जल्द पकड़ते हैं और उसका समुचित इलाज करते हैं तो पेशेंट के रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे होते हैं। अगर बात करें कि जैसा कि आपने बताया बीमारी को पकड़ने की, तो ये लक्षणों की बात कर लेते हैं, तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं और ये मरीज को कैसे समझना चाहिए कि ब्रेन स्ट्रोक होने वाला है? जी, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि अधिकांशतः केसेस में ऐसे होते हैं ये गोल्डन पीरियड ही हमारा पार हो जाता, तो जिस वक्त में पेशेंट को कुछ ऐसे मुख्य लक्षण हैं जिसको जरा भी शक हो तो उसमें थोड़ा फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इसका कोड भी फास्ट ही है, यानी एफ से फेशियल पैरालिसिस या वीकनेस, यानी चेहरे में टेढ़ा हो जाना या चेहरे का झुक जाना, और ए फॉर आर्म वीकनेस यानी हाथों में कमजोरी आ जाना या पावर कम हो जाना, एस फॉर स्पीच यानी बोली में लड़खड़ाहट हो जाना, और टी कहते हैं टाइम फॉर ब्रेन। तो इसको ऐसे याद रखने के लिए हम लोग कहते हैं फास्ट, और इसमें फास्ट होने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि ब्रेन का हर एक सेल जो है वो हर एक मिनटों में कई गुना वो लॉस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत तेज होना ज़रूरी है। तो ये कुछ लक्षण ऐसे होते हैं। इसके अलावा अचानक से यदि किसी व्यक्ति को बहुत जोर सर में दर्द आ जाए, उल्टियाँ होने लगी, उसके बैलेंस गड़बड़ होने लगे, लड़खड़ाने लगे व्यक्ति चलने में, और देखने में अचानक से कुछ दो दिखने लगे, चक्कर आने लगे, ये सारे दो चार लक्षण अगर साथ में हैं तो निश्चित रूप से ऐसे पेशेंट्स को, यदि साथ में पहले से ब्लड प्रेशर की बीमारी है या कई दफ़ा नहीं भी है और वो पहले ही टारगेट ऑर्गन के रूप में डैमेज करती है, तो वैसे पेशेंट्स को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसमें जाँच करा के ये पता करना चाहिए कि इसे ब्रेन स्ट्रोक है और किस प्रकार का स्ट्रोक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भी उसमें जो विशेष चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि किस प्रकार का स्ट्रोक है ये जानने के लिए हमें उस टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जल्द से जल्द आना बहुत ज़रूरी है। अगर बात कर ले कि अगर एक मरीज को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो वो उसके रिकवरी का क्या कितना चांस है? देखिए, ये सारा इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रेन स्ट्रोक ब्रेन के किस हिस्से में हुआ है और उसे कितनी जल्दी और किस प्रकार का स्ट्रोक है। जैसे यदि ब्रेन में बहुत ही छोटा स्ट्रोक, कई दफ़ा तो वार्निंग साइंस कहते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, वो कई बार वार्निंग दे के चले जाते हैं और ब्रेन के पूरे कंप्लीटेड स्ट्रोक नहीं होते। कई दफ़ा बहुत ही लैकुनर स्ट्रोक, छोटे स्ट्रोक होते हैं। कई दफ़ा इतने बड़े स्ट्रोक होते हैं कि पेशेंट कोमा में चले जाते हैं और एकदम बेहोशी अवस्था में आ जाते हैं। कई बार ब्रेन में छोटे छोटे हेमरेजेस होते हैं, उसके विशेष चिकित्सा और जांच के द्वारा सर्जरी की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। जो मुख्य चीज़ हम आकर्षित करना चाहते हैं लोगों का ध्यान, वो है इस्केमिक स्ट्रोक के रूप में, जिसमें कि हम लोग थ्रोम्बोलिसिस यानी विशेष दवा से जो उसके क्लॉट हो गया है, जो खून का प्रवाह रुक गया, उसको खोलने की बात करते हैं। तो वो अगर 4.5 घंटे के अंदर हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं और उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कोई उसका विरोध नहीं है उस दवाई देने का, तो उस दवा को देने से बहुत सारे पेशेंट्स में वो सिरा जो बंद पड़ी हुई है वो उस समय में खुल जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। अगर बात करें कि खतरनाक है तो ये कितना खतरनाक है, इसमें रिस्क कितना है? जी, निश्चित रूप से ये काफ़ी खतरनाक है। जैसे मैंने बताया कि वो इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रेन की कौन सी सिरा कितने जोर से दबी है और कितने बड़ा हिस्सा ब्रेन का जो है वो लॉस हुआ है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि इसमें मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है और इसलिए भी इस बात की तेज़ी बहुत ज़रूरी, कई दफ़ा बहुत जल्द पहुँच के भी बहुत कुछ नहीं कर पाते यदि ब्रेन स्ट्रोक बहुत बड़ा हो गया हो तो। जो अगर हम बात कर रहे हैं कि एक मरीज जो है वो अगर आपके पास आ रहा है, वो ट्रीटमेंट के बाद जब वो ब्रेन स्ट्रोक आया है और सही समय पर आ जाता है,
तो उसकी जो इलाज होती है कितने दिनों तक चलती है, क्या उसे कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत है या फिर वो कुछ दिनों तक इलाज ट्रीटमेंट करा के वो छोड़ सकता है? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्ट्रोक कितना बड़ा है, ब्रेन के किस हिस्से में पहुंचा है और उसे किस तरह की चिकित्सा हम दे रहे हैं। यानी यदि वो गोल्डन पीरियड में आया और कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, हमने विशेष दवा जो प्रयोजन है वो दिया और उसका रिजल्ट भी अगर अच्छा हुआ, तो ऐसे पेशेंट्स में जो हॉस्पिटल स्टे होता है वो कम यानी 4-5 दिनों का होता है। यदि बड़ा ब्रेन में स्ट्रोक हो गया और ऐसे पेशेंट जो कोमा में चले गए जिसमें इंट्यूबेशन की ज़रूरत पड़ी, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, ऐसे समय पेशेंट्स में काफ़ी लंबे समय तक ये पेशेंट्स हॉस्पिटल में रहते हैं और इसलिए भी स्ट्रोक के पेशेंट में जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट होती है, हॉस्पिटल स्टे होती है, वो यूजुअली ज़्यादा होती है। अगर बात करें कि सावधानियाँ की, घर जाने के बाद उसे क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है जो रिस्क फैक्टर को अगर हम समझें कि स्ट्रोक होता किसको है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें वो ज़्यादा प्रोन है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है हाइपरटेंशन। और जो हाइपरटेंशन है वो उसको डिजीज़ ऑफ हाफ्स भी हम लोग कहते हैं, यानी कि आधे लोगों को पता ही नहीं रहता है, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उसमें कोई लक्षण नहीं होता। तो ब्लड प्रेशर की जो जाँच होती है वो सभी व्यक्ति नियमित रूप से करें और जो ब्लड प्रेशर जिनको भी डिटेक्ट हो रहा है उसको वो ट्रीट करें। इसका ये बिल्कुल ही अर्थ नहीं है कि अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं तो आपको स्ट्रोक नहीं होगा, लेकिन आपको लगभग 25% तभी भी आप सेफ हैं और जो रिस्क फैक्टर्स है वो उसको आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं, एज भी एक फैक्टर्स है और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। उसमें कई बार लाइफस्टाइल चेंजेस है, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ है, लिपिड की कंट्रोल है, स्मोकिंग की जो है वो फैक्टर्स है, तो ऐसे फैक्टर्स जो है जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बट जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेशर की नियमित जाँच करें, ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से कंट्रोल करें, तो बहुत सारे पेशेंट्स में हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि दोबारा स्ट्रोक ना हो, उसके लिए यदि वो इस्केमिक स्ट्रोक होती है तो उसमें हम लोग एंटीप्लेटलेट, इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल इस तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं जो खून को थोड़ा पतला रखते हैं और अमूमन ऐसी दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलती हैं और उसमें जो है स्ट्रोक दोबारा होने के चांसेस घट जाते हैं। कई बार ऐसे भी फैक्टर्स रहते हैं जिसमें कार्डियक फैक्टर्स होते हैं, जो हृदय से संबंधित ब्रेन में स्ट्रोक होते हैं, उसमें कार्डियोलॉजिस्ट की भी हम लोग मदद लेते हैं और कुछ विशेष दवाइयां जिसमें हार्ट की वॉल्व ख़राब रहती है उससे रिलेटेड भी हम लोग इलाज करते हैं। तो इस तरह से स्ट्रोक को हम लोग मल्टी सिस्टम अप्रोच भी करते हैं कि भाई और भी कोई ऐसी तकलीफ हो या बीमारी हो जो अगर हमें संज्ञान में आई है तो उसका भी हम ट्रीट करें, जो खुद भी एक रिस्क फैक्टर स्ट्रोक का है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर अनिल कुमार झा को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर ब्रेन स्ट्रोक किसी को होता है तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और दोबारा ब्रेन स्ट्रोक ना हो उसके लिए भी बताया उन्होंने। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।